हे गाइस, आई वेलकम यू टू अपस्टेप एकेडमी अगेन। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, क्योंकि थियोरेटिकली हम सब कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं लेकिन प्रैक्टिकली उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से कुछ टॉपिक्स थे जैसे सॉलिड एंगल, पैरालक्स मेथड एंड सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड। ये तीनों जो टॉपिक है वो उनको विजुअलाइज कैसे किया जा सकता है ये बताने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा। इसके बाद में हम एक शॉर्ट रिविजन करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर की, और उसके बाद में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करने हैं, उसमें कौन से ट्रिप्स ट्रिक्स यूज किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल क्या है आपको पता ही है, फिर एक बार मैं बता देता हूँ। सॉलिड एंगल जो होता है वो एक पर्टिकुलर सरफेस को, देखिए डिफरेंस क्लियर है बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब है एक ऐसा एंगल जो एक सरफेस को सबटेंड करता है, और एक प्लेन में एक ऐसा एंगल जो सिर्फ एक लाइन को सबटेंड करता है। इसका मतलब ये है कि पार्ट ऑफ एरिया ने सेंटर के साथ जो एंगल बनाया हुआ है वो है सॉलिड एंगल। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है। ओके गाइज, सो आपने देखा कि प्रैक्टिकली कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है सॉलिड एंगल को। चलिए आगे चलते हैं पैरालक्स मेथड की तरफ। हमने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया ही था पैरालक्स मेथड समझने के लिए, कि एक फिंगर बीच में ला लो एक ऑब्जेक्ट के और आपके आइज के, और एक एक आँख बंद करके आप यदि देखते हैं तो आपको वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ हुआ नज़र आता है। इसका मतलब आपके दो आँखें एक ही ऑब्जेक्ट के साथ एक एंगल बनाती है, और वो मेथड यूज़ करके हम स्टार्स के, प्लैनेट के डिस्टेंसेस फ्रॉम अर्थ कैसे मेजर करते हैं, वो मेथड यहाँ पे समझनी है। एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ आपको कि क्या होता है एग्जैक्टली। इस मेथड में आप देखेंगे कि सन के अराउंड हमारी अर्थ घूम रही है, और वो हर 6 महीने बाद एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाती है। तो दो एक्सट्रीम पोजीशंस यूज करके हम कैसे एक दूर के स्टार का या प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखते हैं। सो होप गाइज कि आपको ये पैरालक्स मेथड भी प्रैक्टिकली समझ में आ चुका होगा। इससे अलग कुछ नहीं होता, ये ही मेथड्स यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड की तरफ। आपने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या था वो रिलेशन? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2π into the bracket L upon G। ये रिलेशन था। इस रिलेशन में ये लेंथ जो थी वो लेंथ थी सिंपल पेंडुलम की, ये G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है लेंथ पे, वो बात समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। चलिए ट्राई करते हैं समझने का कि टाइम पीरियड लेंथ पे कैसे डिपेंड है।
सो होप गाइज कि आपको समझ में आ चुका होगा कि टाइम पीरियड लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ लेंथ चेंज होगी और लेंथ चेंज होने की वजह से टाइम पीरियड चेंज होता है और वो रिलेशन हम एस्टैब्लिश करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायमेंशनल एनालिसिस, वो यूज़ करना है हमें ये रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन ये रिलेशन ही प्रैक्टिकली ना समझ में आए तो डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल कुछ मायने नहीं रखता। दिस थ्री प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स आई वांटेड टू विजुअलाइज यू एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है, आप यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके गाइस, सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक शॉर्ट और रैपिड रिविजन करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज है वो रिव्यू करेंगे, और उसके बाद में जो सॉल्यूशंस है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के उस पर एक नज़र डालेंगे। ओके गाइस, सो चलिए चलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर की एक शॉर्ट रिवीजन पे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था हमने साइंस फिजिक्स क्या होता है, उसके बाद में यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक्चुअल नीड्स क्या होती है, उसके बाद हमने देखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेसिकली आते हैं CGS, MKS, FPS और SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद वी सीन व्हाट आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज विच डू नॉट नीड अदर क्वांटिटी टू मेजर देम सेल्फ। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देन आफ्टर वी हैव सीन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है कि जो मेजर करने के लिए हमें डिपेंड रहना पड़ता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था वेलोसिटी का। वेलोसिटी मेजर करने के लिए लेंथ और टाइम दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पता होना जरूरी है, तभी हम वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर हियर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो आपको पता है क्या होता है, प्रैक्टिकली हम उसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन सॉलिड एंगल थोड़ा टिपिकल पार्ट है, समझने में थोड़ा चैलेंजिंग है। उसके बाद हमने देखा था कन्वेंशंस फॉर यूज़ ऑफ SI यूनिट्स। यहाँ पर टोटल 7 कन्वेंशंस है। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आपको जो हमेशा याद में रखने हैं वो ये है कि हमेशा सिंबल यूज़ करते हैं हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए। यदि फुल नाम यूज़ करना चाहते हैं हम किसी यूनिट का जो साइंटिस्ट के नाम से लिया है, जैसे कि न्यूटन, केल्विन, जूल, तो उसकी शुरुआत हम स्मॉल लेटर से करते हैं। आगे जाके एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है कि बिटवीन टू यूनिट्स वी नीड टू पुट 1 हाइफन और स्पेस। यदि हम स्पेस या तो फिर हाइफन नहीं रखेंगे तो उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ना कि सिर्फ यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के दौरान, ये आपको पूरे आपके करियर में यूज़ आने वाला है। तो उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने देखा था कि 1 मीटर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है और वो डेफिनेशन थोड़ा एक्यूरेट कैसे किया गया। उसके बाद में हमने देखा था कि ये जो डिस्टेंसेस है, शॉर्ट डिस्टेंस और लास्ट डिस्टेंस, इनमें कितना गैप है, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स होनी चाहिए जो छोटे से छोटा डिस्टेंस भी मेजर कर सके और बड़े से बड़ा डिस्टेंस भी मेजर कर सके। आगे जाके हमने ये पैरालैक्स मेथड देखी थी। पैरालैक्स मेथड के जो एप्लीकेशंस है कि टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, कैसे यूज़ करते हैं पैरालैक्स मेथड को, ये भी हमने देखा था। ओके, उसके बाद में ये मैं बताना भूल गया था कि ये पारसेक एक्चुअली है क्या। पारसेक जो है वो थोड़ा बड़ा यूनिट है लाइट ईयर से। लाइट ईयर क्या है आपको पता है कि एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। एक ईयर में वो कितना करता है, तो एक ईयर में वो 9.46 इंटू 10^15 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और 1 पारसेक इज़ नथिंग बट 3.26 लाइट ईयर्स। और 1 पारसेक प्रैक्टिकली समझना हो तो क्या करते हैं हम, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस लेते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक ऐसे पॉइंट को 1 सेकेंड इतना एंगल यदि बनाता है तो सन और वो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा
पारसेक, वन पारसेक डिस्टेंस, ये डेफिनेशन है वन पारसेक की। उसके बाद में हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास में हमने देखा था कि 1989 से एक स्टैंडर्ड था जो कि था प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का पीस रखा था हमने एक स्पेशल ग्लास वेसल में और उसका मास था 1 किलोग्राम, लेकिन 2019 में उसकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई थी। मेजरमेंट ऑफ टाइम भी हमने देखा था, पहले हम कौन सी मेथड यूज़ करते थे 1 सेकेंड का टाइम मेजर करने के लिए, और अब स्टैंडर्ड मेथड जो है वो डिपेंड है CCM क्लॉक पे। उसके बाद में हमने देखा था डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद में डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस क्या है वो भी देखे थे। ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट है, तभी भी यदि आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका डिटेल वीडियो देखें जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के सेकेंड पार्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन वॉज टू चेक करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड जो एप्लीकेशन था वो था टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। थर्ड एप्लीकेशन वॉज टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ये एप्लीकेशंस भी बहुत ही ईजी है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस वजह से मैं थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ इसको। आगे चलते हैं, आगे है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटीज मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिए थे। आगे जाके एरर्स इन मेजरमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं कहूँगा इस चैप्टर का, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर पे बेस्ड। तो सबसे पहला पार्ट था एरर का, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स के जो रीजंस थे वो थे इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसके बाद में पर्सनल एरर। और हमने ये भी देखा था कि सिस्टमैटिक एरर तो हम पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिनिमाइज ज़रूर किया जा सकता है। रैंडम एरर को भी हमने देखा था कि ऐसी कुछ एरर्स है जो कुछ भी करें हम आने ही वाली है। उसके बाद में एस्टिमेशन ऑफ एरर, ये पार्ट आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अच्छे से करो, क्योंकि इस पार्ट पे डिपेंड मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स है। सबसे पहले देखा था कि हमने एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं ऑब्जर्वेशंस का, उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, उसके बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। देन आफ्टर वी हैव सीन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, प्रोडक्ट में, डिफरेंस में, और पावर और इंडेक्स में। ओके, ये है एरर इन सम एंड डिफरेंस। उसका जो फॉर्मूला है ये डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आता है, और उससे हम मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, प्रोडक्ट का यहाँ पे दिया है, डिवीजन का दिया नहीं था। डिवीजन का मैंने एक्सप्लेन किया था न्यूमेरिकल सेक्शन में, तो ये उसका इक्वेशन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं, एरर्स ड्यू टू पावर और इंडेक्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। पावर या इंडेक्स एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को है, बिकॉज ऑफ इट जो आउटकम है उसका, उसमें क्या एरर्स आती है उसका ये फार्मूला है, ये हमने अच्छे से देखा था। और एक जनरलाइज्ड फार्मूला लिखा था हमने, जेड इज इक्वल टू ए रेस टू पी बी रेस टू क्यू डिवाइडेड बाई सी रेस टू आर, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये हमने पता कर लिया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जैक्टली होते क्या है, और वो कैसे पता करें कि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, उसके रूल्स क्या है, वो भी हमने देखे थे। ओके, ये रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स शो करने के। और उसके बाद में आखिर का जो टॉपिक था वो था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक में यदि हम एक फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसकी वजह से एक टॉपिक था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दैट इज़ व्हाट द शॉर्ट रिविजन ऑफ दिस यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर। सो लेट अस गो टूवर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन।
ओके गाइस, सो चालू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें पहला क्वेश्चन है एल रेस टू वन, एम रेस टू वन, डी रेस टू माइनस टू, दिस आर द डायमेंशंस गिवन एंड वी नीड टू आंसर ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी दिस डायमेंशनल फार्मूला इज। सो यहाँ पे लेंथ वन है, मास वन है और टाइम माइनस टू है। इसका मतलब ये है फॉर्मूला फोर्स का, क्योंकि फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसमें लेंथ आती है, मास आता है और टाइम भी आता है, और उसका आगे जाके हम सॉल्व करेंगे तो फार्मूला मिलेगा एल वन एम वन टी रेस टू माइनस टू। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज 1%, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया। तो इसके लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट किसका रहेगा, व्हाट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला देखा था हमने प्रोडक्ट के केस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होती है, वो फॉर्मूला था डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ पे यदि 1% एरर है साइड के कैलकुलेशन में, तो डेफिनेटली साइड प्लस साइड की एरर होगी 2%। सो 2% इज द आंसर, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, ऑफ कोर्स इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आगे जाएंगे हम, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दैट ऑफ, यस इट इज वर्क। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है, तो सेंटीमीटर तो है, केजी भी है, सेंटीग्रेड भी है, वोल्ट नहीं है, क्योंकि वोल्टेज ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इस वजह से ये वोल्ट जो रहेगा वो फंडामेंटल यूनिट नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है स्टार ए इज फार्दर देन स्टार बी, विच स्टार विल हैव अ लार्ज पैरेलक्स एंगल। तो क्या रहेगा यहाँ पे, स्टार ए समझो यहाँ पे है और स्टार बी यहाँ पे है, और यहाँ से हम वो एंगल मेजर करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स जो थीटा रहेगा यानी कि पैरेलक्स एंगल रहेगा, वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उस स्टार का, उतना कम पैरेलक्स एंगल रहेगा, और जितना कम डिस्टेंस रहेगा स्टार का उतना ज़्यादा पैरेलक्स एंगल रहेगा। तो ऑफकोर्स ए इस स्टार के साथ जो पैरेलक्स एंगल बनाएंगे हम, वो छोटा होगा बी के साथ बनाए हुए पैरेलक्स एंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी एल इनटू द ब्रैकेट एल अपॉन जी कॉमा एल बीइंग द लेंथ ऑफ द जी एंड एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल सेक्शन में प्रॉपरली सॉल्व किया है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम सीधा आगे जाएंगे, डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड मीन परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि वो एक पॉजिटिव डिफरेंस होता है मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू के बीच का। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, सभी जो एब्सोल्यूट एरर्स है उसका मीन होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या होती है, तो रिलेटिव एरर है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, वो ऐसे कुछ डिजिट्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट में कि उसके बारे में हम सर्टन होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को a into 10 raise to n इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो 10 raise to n होता है उसको कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो होता है वो क्या होता है, 0.5 से या तो ग्रेटर होता है या तो फिर इक्वल होता है, और 5 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मेजर्ड वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज आर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बीइंग द मीन एब्सोल्यूट एरर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन ए प्लस माइनस बी।
और z इज इक्वल टू a अपॉन b, देन शो दैट डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये एग्जांपल हमने न्यूमेरिकल सेक्शन में सॉल्व किया है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तभी भी आपको कोई दिक्कतें है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ये उसका सोल्यूशन है। यदि ए सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेरा मेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा। इफ़ यू मेल मी ऑन upstep.academy@gmail.com आई कैन सेंड यू दिस पीडीएफ सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल हैविंग मास एम एंड वेलोसिटी वी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये बात तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है मास से और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से, बट मास के कौन से पावर से वो प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के कौन से पावर से वो प्रोपोर्शनल है, ये दो चीज़ें हमें पता नहीं है। लेट अस एज्यूम कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास रेस टू ए एंड काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेस टू बी। कंबाइंड तरीके से कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास रेस टू ए इनटू वेलोसिटी रेस टू बी, और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एस्टैब्लिश करेंगे जो क्या करेगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देगा। और ये ध्यान में रखिए कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, यानी कि उसके कुछ डायमेंशंस नहीं होंगे। ओके, तो हम दोनों साइड्स के डायमेंशंस लिख देंगे। यदि दोनों साइड्स के डायमेंशन लिख देते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें ए स्टेप मिल जाता है। इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स के डायमेंशंस की पावर को इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाता है ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी इंटू एम रेस टू 1 एंड वी रेस टू 2। एंड प्रैक्टिकली यदि हम पता करते हैं सी की वैल्यू क्या है तो वो आती है 1/2। सो हमारा एक रिलेशन में हमारा एक फाइनल रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करने के कुछ टेक्निक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, फोर्थ पार्ट ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में आप देख सकते हैं। तभी भी मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, उसको आपको कम से कम दो बार अच्छे से रीड करना है। इससे एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगी आपको कि क्या पूछा है, कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो फिर एक पर्टिकुलर फार्मूला काम नहीं आ रहा तो कौन से दो या तीन टॉपिक्स मिला के एक फॉर्मूला बन सकता है और वो हम यूज कर सकते हैं क्या। ये बातें आपको इनिशियली पता चलेगी और आप अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन भी निकल के आएगा। ओके, सो यहां पे मैंने वही स्टेप्स अप्लाई की है, गिवन डेटा लिखा है, टू फाइंड जो है क्लियरली मेंशन किया है, और कैलकुलेशन पार्ट में एक फॉर्मूला यूज किया है, और फॉर्मूला यूज करके सिंपली मैंने मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल दी है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड इज 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स एरर। ये प्रॉब्लम हमने न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर जो लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का, उसमें आप देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी हमने फोर्थ पार्ट में सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए लार्ज बॉल 2 meter इन रेडियस इज मेड अप ऑफ रोप ऑफ स्क्वेयर क्रॉस सेक्शन विद एज लेंथ 4 mm निगलेक्टिंग द एयर गैप्स इन बॉल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इस प्रॉब्लम में एक सिंपल टेक्निक क्या यूज करनी है, एक रोप है, उस रोप को हमने कन्वर्ट किया है एक बड़े से बॉल में। ओके, और वहां पे जो एयर गैप्स रहेंगे वो टोटली हमें निगलेक्ट करने हैं। इसका मतलब क्या है, दैट बॉल विल बी मेड अप ऑफ रोप ओनली। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ द बॉल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रोप। तो वॉल्यूम ऑफ द रोप कैसे निकालेंगे, उस रोप का क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर, तो उस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालेंगे, इनटू लेंथ दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द रोप, एंड उसमें हमें निकालना है कि लेंथ क्या है। और इस बॉल के वॉल्यूम में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बॉल का वॉल्यूम तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस गिवन है। तो इसमें सिर्फ एक क्वांटिटी रहेगी जो हमें पता नहीं है, वो निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इन ए वर्कशॉप
ए वर्कर मेजर्स लेंथ ऑफ स्टील प्लेट. आई थिंक ये प्रॉब्लम भी हमने फोर्थ पार्ट में देखा है. नेक्स्ट, फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैविंग मास 60.0 प्लस माइनस 0.3 ग्राम विथ ए वेलोसिटी 25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडेक्स. तो आपको तो पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर. यहाँ पे प्रोडक्ट भी है और इंडेक्स भी है. तो प्रोडक्ट और इंडेक्स के केस के कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला हमने रख दिया है यहाँ पे. वी हैव केप्ट द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडेक्स एंड सिंपली वी पुट वैल्यूज गिवन एंड फाइनली वी फाउंड आउट परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी. ये बहुत ही ईजी है. इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वेयर फाउंड टू बी 6.12 ओहम, 6.09 ओहम, 6.22 ओहम एंड 6.15 ओहम. फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट. दिस क्वेश्चन इज वेरी बेसिक. इन दिस यू नीड टू पुट फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन. बाय कीपिंग दैट फार्मूला यू कैन इजिली फाइंड आउट मीन रेजिस्टेंस, देन यू कैन फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर, देन यू कैन फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट रिलेटिव एरर एंड देन परसेंटेज एरर. ओके, अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस एच इज वी. इफ वी डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एंड डिस्टेंस, प्रूव विद डायमेंशनल एनालिसिस दैट वी इज इक्वल टू के इन टू द स्क्वेयर रूट जी इन टू एच, वेयर के इज द कॉन्स्टेंट. यहाँ पे सिंपली आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी है अंडर फ्री फॉल, ये कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एच एंड जी. As velocity is directly proportional to h and also velocity is directly proportional to g, we can write this relation that v is directly proportional to g raised to a into h raised to b. Velocity उतनी ज़्यादा रहेगी जितनी ज़्यादा height रहेगी और उतना ज़्यादा acceleration रहेगा. यहाँ पे acceleration तो constant ही रहने वाला है. तो यहाँ पे ये रिलेशन लिख दिया है हमने, v इज प्रोपोर्शनल टू g raised to a into h raised to b. यहाँ पे a और b की वैल्यू यदि निकालते हैं तो easily ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है. इसके लिए ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या लिया, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया जो कि हम कहलाते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट. तो हमने क्या किया, सिंपली बोथ साइड्स पे अपने डायमेंशंस लिख दिए हैं. डायमेंशंस लिख के थोड़ा कैलकुलेशन करके हमें फाइनली ए और बी की वैल्यूज़ पता चलती है. और ए और बी की वैल्यूज़ हम उस जो एज्यूम्ड इक्वेशन है उसमें रख देंगे, वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा. दैट इज़ व्हाट द रिलेशन बिटवीन वी जी एंड एच. एंड हेंस वी कैन से इट इज़ प्रूव्ड दैट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी जी एंड एच इज दिस वन. Okay, so next problem is this. We have already solved this problem. You can refer previous lecture to get an overview of solution of this problem. Let's go towards our next problem. Okay, this problem is also we have seen. Let's go to next problem. This problem is also we have seen. You can refer previous video for solution of this problem. This problem is also we have seen. Next, this problem is also we have seen. I request you to refer our previous video for solution of these all seen problems. Next, okay. Next problem is write down the number of significant figures in the following. These are the measurements of physical quantities. पहली physical quantity है 0.003 meter square. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि three zeros are present before decimal point and just after decimal point. So we have to neglect those and the significant figure present over here it will be only one. Number of significant figure present over here is one. नेक्स्ट इज 0.1250. यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को जो जीरो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड को आफ्टर नॉन जीरो डिजिट देर इज 10 प्रेजेंट, बट दैट वी नीड टू कंसिडर अकॉर्डिंग टू रूल्स. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट ओवर हियर आर 4.
Here you can see this is nothing but the order of magnitude. You don't need to consider this while calculating significant figures. So here you can see only two significant figures are present. So number of significant figures present over here are two. Here similarly over here too, number of significant figures are two, as this is nothing but the order of magnitude. Okay, and let's go to see our last problem. The diameter of sphere is 2.14 centimeter. Okay, I think this problem is also we have seen. I will show you solution of it once again. So this is what the solution, and still if you need to know how this problem has been solved, you can refer our previous video. That is what an overview to answers of the questions given in exercise. So guys, let us conclude today's session. In today's session, we have seen practical concepts from units and measurement chapter. Then we have taken one short review of the units and measurements chapter, as well as we took an overview to question and answer section. So let us conclude our today's session. I hope you found it useful. Still, if you have any doubts and questions, you can ask me in comment section below. I will try to answer those. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe our channel. I will see you in the next lecture.